होटल पहुंच गया हूँ, चेक इन हो गया है, अभी रूम के लिए निकलूंगा। 15 फ्लोर पे रूम मिला है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. No, it's going up. से वॉशरूम भी भाई, हॉल से वॉशरूम भी देख सकते। सही है यार, क्या करेंगे देख के। दिस इज अ शॉवर है यहाँ पे, शॉवर से ही नहाना पड़ेगा। बाथटब के लिए टाइम कहाँ रहेगा, आज और कल के दिन थोड़ा सा है, फिर तो निकलना है, फिर तो काम के इसमें तो सुबह 8 बजे निकलना पड़ेगा, तो कहाँ बाथटब में भाई। इसको चाहिए आराम से बैठ के 1-2 घंटा बाथटब के अंदर, तब आएगा मज़ा। वो तो नहीं कर पाएंगे अपन, टाइम नहीं है अपने पास। ठीक है गाइस, एक्चुअली मुझे आईफोन का चार्जर भी लेने जाना है यार, मैं घर पे भूल गया, आपको बताया था। तो कैसे कैसे एयरपोर्ट पे एक बंदा मिल गया था छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स पे मुंबई में, उसको मैंने बोला कि भाई चार्जर दे दे करके, उसने दे दिया, तब चार्ज ही 80% हुआ। फिर अबू धाबी गया, फिर से लो हो गई थी, एक्चुअली मोबाइल यूज़ कर रहा था तो फिर से सेम बंदा दिखा, फिर से उसको बोला भाई चार्जर दे दे, उसको दे दिया। मैड्रिड में पहुंचा, अबू धाबी से मैड्रिड में, वो भी मैड्रिड ही आ रहा था, मैड्रिड का ही बंदा था, स्पेनिश में बात कर रहा था बट इंग्लिश भी आती थी उसको थोड़ी बहुत, तो हेल्प किया भाई ने। तो अभी यार इसकी बैटरी तो वैसे भी डाउन हो गई है, सही लग रहा है रे यहाँ से रूम। ठीक है, चार्जर लेने जाऊँगा। ओके बाय। भाई एक चीज़ तो दिखाना भूल ही गया, भाई 15 मिनट का पावर नैप कब 2 घंटे में बदल गया पता नहीं चला, बट हाँ ठीक है, एटलीस्ट अभी फ्रेश हो गया, अच्छा लग रहा है। अभी मैं निकलता हूँ, अभी इधर बजा है 2:15, इंडिया में हुआ होगा 6:30 या फिर उससे ज़्यादा। अभी मैं डायरेक्ट निकलता हूँ कुस्को करके एक मेट्रो स्टेशन है वहाँ के लिए, यहाँ से एक मेरे होटल के पास में एक बेगुना करके एक मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से टिकट निकालूंगा, 3 स्टेशन के बाद वहाँ पर चला जाऊँगा, वहाँ से चार्जर लूँगा, विल पुट इट ऑन चार्ज,
आधा घंटा तो भी एटलीस्ट चार्ज होता है 60%। उसके बाद फिर निकलूँगा आगे के लिए। वहाँ से पास में ही फिर रियल मैड्रिड का होम ग्राउंड है बर्नेबू, वहाँ पे चला जाऊँगा। फिर आगे का बताता हूँ, मिलते, बाय। भाई ये है मेरा होटल, होटल यूरोस्टार मैड्रिड। एक्चुअली यहाँ पास में कोई और एक होटल, आई डोंट नो, देर आर नंबर ऑफ होटल्स नियर बाय। भाई क्या है ये, क्या है भाई। एक्चुअली बाहर में ऐसा देख के ऐसा लग रहा है कि कितना धूप है यार, बट ऐसा ठंडा ठंडा लग रहा है। चलो स्टेशन पे मिलते हैं। मेट्रो स्टेशन पे आओगे तो आपको कुछ ऐसा मशीन दिख सकता है। तो यहाँ से सबसे पहले तो इंग्लिश सिलेक्ट करना है। इंस्टेड यू ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट कार्ड अपने पास नहीं है, पहले तो ट्रांसपोर्ट कार्ड खरीदना पड़ेगा। मैं 10 दिन जर्नी के लिए खरीद रहा हूँ, एयरपोर्ट के लिए जाने के लिए भी खरीद सकते हैं, एक जर्नी के लिए, बट मैं 10 जर्नीज कर रहा हूँ। तो अच्छा रहता अपने पास रहेगा तो। एक्सेप्ट देन इट विल आस्क कौन सा चाहिए, मीन्स यहाँ पे मीन्स मेट्रो लाइन 1, मेट्रो लाइन 2 ऐसा है, ऐसे अलग अलग मेट्रो लाइन से। तो मैं कंबाइंड 10 मेट्रो लाइन, मीन्स तीनों मेट्रो लाइन का ले रहा हूँ, जो कि 18.30 यूरो का पड़ रहा है। तो इसमें सब कवर हो जाएगा, आपको जो चाहिए आप खरीद सकते हो। चेक कर लेना सबसे पहले, मीन्स अगर कभी आना वाना हुआ तो। आई नो आओगे। एक्सेप्ट 20.2, क्योंकि मल्टी कार्ड का 2.50 यूरो लगता है। कंबाइंड 10 जर्नी टिकट है, यस करना है, यस कर लूँगा। पूछ रहा है कि वुड यू लाइक इनवॉइस, यस ऑब्वियसली। इंसर्ट योर मनी बोल रहा है, ओके। इंसर्ट योर मनी के लिए मैं अपना कार्ड इंसर्ट कर दूंगा यहाँ पे, जो मेरे पास है एक्सिस का, इस साइड में। और यहाँ पे कार्ड यहाँ पे डाल दिया, अभी यहाँ पे पिन मांग रहा है, पिन डाल देता हूँ। ओके पे क्लिक कर दिया, प्रोसेस होगा, ऑपरेशन एक्सेप्टेड, मेरा कार्ड बाहर आ गया, यहाँ पे भी हो गया चेंज इन प्रोसेस। और भाई ये मेरा आ गया कार्ड, और ये आ गई मेरी रिसिप्ट। भाई निकल, हाँ फाइनली। तो ये रिसिप्ट आ गई मेरी, दिस वन 20 यूरोस, मेरा कार्ड आ गया। अभी कुछ नहीं, ये कार्ड यहाँ पे बस दिखाना है, यहाँ पे ऊपर में रखा देना है। ओके ये चालू हो जाता है, दैट्स इट, आप अंदर घुस गए। ये एक बार यूज़ हो गया, ऐसे अभी 9 बाकी है, मिलते हैं स्टेशन पे। यहाँ पे जितने भी मेट्रो स्टेशन और जितने भी मेट्रो चलते हैं, ML1, ML2 और ML3, सब अंडरग्राउंड रहते हैं, ठीक है। बट सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे हर चीज़ के पीछे एक साइन इतने अच्छे से लगाया जाता है, इंग्लिश में भी और स्पेनिश और कोई भी लैंग्वेज, कि कोई भी टूरिस्ट अगर आएगा तो किसी को कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। इतना मीन्स अच्छे से हर जगह पे इंडिकेशन रहते हैं, हर जगह पे साइंस रहते हैं, काफ़ी कहाँ जाना है, कैसे करना है। तो वो सबसे अच्छी बेस्ट चीज़ है यहाँ की। उस साइड जाना था उसको के लिए मैं इस साइड आ गया, इस साइड नहीं जाना है मुझे, उस साइड जाना था, उस साइड जाना पड़ेगा वापस। अभी आपको बताया कि वहाँ पे साइन रहते हैं, बट ये भाई तो ये रिकॉर्डिंग करते करते भूल ही गया कि उस साइड जाना था करके, गलत साइड आ गया।
भाई मेरी मेट्रो आ गई, मैं निकलता हूँ। ज़्यादा भरा हुआ नहीं है, है ठीक ठाक। अपने स्टेशन पे आ गए हैं। एक्चुअली द प्रोनाउंसिएशन इज कुस्को, मैं कर रहा था कुस्को कुस्को, भाई कुछ पता ही नहीं चलता कौन सा साइलेंट है कौन सा नहीं है। तो अभी जैसे ही मेट्रो में अनाउंसमेंट करते कि नेक्स्ट स्टेशन इज कुस्को तो पता चला अच्छा ये उसको है, कुस्को नहीं है। बाहर निकल रहा हूँ, सालिदा मीन्स एग्जिट। अब इसका प्रोनाउंसिएशन पता नहीं, बस यहाँ अपने हिसाब से तो सालिदा मीन्स एग्जिट। स्टेशन से बाहर आ गया हूँ, जा रहा हूँ अभी शॉप के तरफ। एक्चुअली मैं जब भी घूमने के लिए बाहर निकलता हूँ तो अपना वॉलेट हमेशा आगे वाले पैकेट में रख देता हूँ, जितने भी काम की चीज़ें, क्योंकि क्या पता एक्चुअली हमें लगता है कि इधर होता नहीं है, बट इधर भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, बहुत पिक पॉकेट वगैरह सब कुछ होता है। तो थोड़ा सा जब भी क्राउड में जाता हूँ या फिर कहीं पे भी ज़्यादा लोग रहते हैं तो मेरी आदत बन गई है कि मैं आगे में रखता हूँ। और मैं मेरा एक छोटा सा बैग कैरी करता हूँ हमेशा, लाइक दिस। तो वो बैग मैं कैरी करता हूँ, उसमें हमेशा एक वाटर बॉटल, एक दो मेडिसिंस, पासपोर्ट्स, वीज़ा, और अभी तो कोविड का भी है तो जितनी भी चीज़ें हैं इनका एक एक सॉफ्ट कॉपी बोलता हूँ, जेरोक्स कॉपी, वो रख देता हूँ पास में। ओरिजिनल नहीं रखता हूँ, ओरिजिनल होटल पे, क्योंकि अगर पासपोर्ट वगैरह घूम गया भाई तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। सो इट्स बेटर कि जेरोक्स कॉपी कैरी करना चाहिए। एंड दूसरी और चीज़, चार्जर्स साथ में रखना चाहिए, एंड उसके अलावा पावर बैंक भी साथ में रखता हूँ। सो वी फाउंड अवर स्टोर, अभी मैं चार्जर खरीद लूँगा। ये है यहाँ पे की ट्विन का, यहाँ पे मिल जाएगा मेरे को चार्जर। चलो यार चार्जर खरीद लेता हूँ फिर देखते हैं, मिल तो गया है, लेट्स सी। हेलो, चार्जर ले लिया है, बेल्किन का एडाप्टर लिया है और आईफोन का चार्जर लिया है यहाँ से एप्पल स्टोर से। टोटल हुआ 45 यूरोस। इसको टैक्स फ्री किया है क्योंकि मैं इंडिया वापस आने वाला हूँ, तो एयरपोर्ट के में जाके इसके 5 यूरोस मुझे रिटर्न आ जाएंगे, टैक्स फ्री हो जाएगा। तो ये 3,200 का हो जाएगा। इंडिया में शायद से केबल और एडाप्टर दोनों मिल जाएंगे 4,000 के आसपास चला जाता है, और यहाँ पे मुझे पड़ेगा ये टैक्स रिटर्न मिलने के बाद ऑलमोस्ट 3,200 का, 800 रुपये बच जाएंगे। बच कैसे जाएंगे, ऑलरेडी खर्चा हो गया एक्स्ट्रा का। फास्ट चार्जिंग तो हो रहा है, 33% हो गया। चलो यहाँ से निकलते हैं, देख लगभग अच्छा खासा चार्ज हो गया है। निकल गया था वहाँ से मैं 10-15 मिनट पहले, वॉक करते करते यहाँ तक आया हूँ। देख सकते हो मेरे पीछे में रियल मैड्रिड का होम ग्राउंड है, दिस इज रियल मैड्रिड का होम ग्राउंड, सैंटियागो बर्नेबो स्टेडियम है। रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है पूरा यहाँ पे, पूरा टोटल, उसकी वजह से अभी सब टूर बंद करके रखा है, नहीं तो उस टूर 12 यूरो का टूर रहता है, उसमें पूरा आपको प्लेयर्स एरिया जहाँ पे वो चेंज करते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस एरिया जहाँ पे वो इंटरव्यूज वगैरह देते हैं, प्लस स्टेडियम पे भी आप जा सकते हो और स्टेडियम पे फोटोज़ वगैरह ले सकते हो। एंड उन्होंने जब तक जितनी भी ट्रॉफीज जीती है, कलेक्शन
जो भी रखा हुआ है सब वहाँ पे देख सकते हो। बट फिलहाल अभी रिकंस्ट्रक्शन की वजह से उन्होंने ये सब टूर्स एंड एवरीथिंग ये सब कुछ बंद करके रख दिया है सब कुछ, तो नहीं जा पाऊँगा। देखना था यार अंदर जाके, बार्सिलोना तो मैं गया हूँ इससे पहले, मैच भी देखा है, मेसी खेल रहा था, हैट्रिक किया था उसने वहाँ पे, और रियल मैड्रिड को भी मैं फॉलो करता हूँ, तो जाना था। बट ठीक है, अभी नॉट पॉसिबल दिस टाइम, नेक्स्ट टाइम देखूँगा अगर पॉसिबल हो सके। प्लाजा दे सिबेल नेक्स्ट डेस्टिनेशन, उधर जा रहा हूँ। एंड जाते टाइम एक्चुअली यहाँ पे स्पेनिश लिटरेचर एंड एवरीथिंग उनके स्टॉल्स है, बुक्स। ये है प्लाजा दे सिबेल्स, और यहाँ पे हमेशा रियल मैड्रिड कोई भी अगर ट्रॉफी जीतती है, कोई भी मेजर ट्रॉफी और कोई भी ट्रॉफी, तो यहीं पे आके सेलिब्रेट करती है। मार्सेलो तो आपने देखा होगा यहाँ पे चढ़ के उसने सेलिब्रेट किया था। तो दिस इज़ द स्क्वायर, वन ऑफ द फेमस स्क्वायर प्लाजा दे सिबेल। भाई क्या मज़ा आता होगा ना जब मैड्रिड जीत कर यहाँ पे आती होगी और सेलिब्रेट करती होगी। ठीक है, आगे निकल रहा हूँ। प्यूरता दे अलकाला करके गेट है यहाँ पे, पास में ही है, तो वो गेट देख के आता हूँ। चार्ल्स कार्लोस ट्रीकिंग था यहाँ का, उसने बनाई थी वो 1750 और 1780 के टाइम पे, थोड़ा सा गूगल पे चेक किया था मैंने। चलो लेट्स गो। उस साइड में मैं जाऊंगा, पहले ये देख के आ जाता हूँ। ट्रंप, आग दे ट्रंप, जैसे मैंने उधर देखा था पेरिस में, वैसे यहाँ पे वो हैं। बहुत टूरिस्ट है, बहुत लोग आए, क्योंकि मैंने स्टार्ट जब किया था तो उस साइड में कोई नहीं था। शायद से मैं जिस साइड में रहता हूँ, शायद वो पूरा होटल्स एंड एवरीथिंग है, उधर में कुछ भी नहीं है घूमने के। दिस इज़ द मैड्रिड का मिडल सिटी है, मिडल है सिटी नहीं, मिडल है, तो दैट्स व्हाई। भाई सिटी तो है, वाव यार ब्यूटीफुल। ओके, अभी प्लाजा दे नेपच्यून के इधर जा रहा हूँ। लेट्स गो, उस साइड चले जाता हूँ से, फिर उधर से निकलूँगा। सुवेनियर्स चेक कर सकते हैं। मैड्रिड लॉट ऑफ सुवेनियर्स।
मैड्रिड एंड एवरीथिंग। सुवेनियर्स तो कल भी मिलेंगे हम जब घूमने जाएंगे तो, बट ठीक है। देखो शाम के 7:15 हो गए यहाँ पे और सूरज कहाँ पे है। यूरोप समर में घूमने के लिए सबसे बेस्ट जगह है। मॉर्निंग में 6 बजे से निकलते हैं सूरज और रात को 9 बजे तक, इतना टाइम है घूमने के लिए, बहुत ज़्यादा। बाहर निकलने के बाद मोस्ट ऑफ द चीज़ें बाय वॉक से ही कवर हो जाती है, मीन्स कोई भी एक मेन स्टेशन तक पहुँच जाने का और फिर वहाँ से बाय वॉक जो भी प्लेसेस है वो विजिट कर लेने का, इट्स बेटर। आ गया हूँ मैं एटलेटिको मैड्रिड जहाँ पे सेलिब्रेट करती है प्लाजा दे नेपच्यून के पास। मैंने जो Day 1 का जो प्लान किया था उसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैं कवर कर लूँगा, फिर कल का जो है एक और दिन उसमें बाकी दूसरे साइड वाली को कवर लूँगा। दैट्स व्हाई मैंने वो 10 टिकट्स निकाले थे फॉर ऑल द लाइंस, सो दैट मैं कोई भी लाइन में जा सकता हूँ और बार बार टिकट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इट्स बेटर कि एक बार ही 10 टिकट्स निकाल लो और फिर निकल जाओ घूमने के लिए। मैं आ गया हूँ यहाँ पे, दिखाता हूँ आपको। तो दिस इज अनदर फाउंटेन प्लाजा दे नेपच्यून, ये वो स्क्वायर है जहाँ मैड्रिड का और एक जो फेमस फुटबॉल क्लब है एटलेटिको मैड्रिड वो यहाँ पे सेलिब्रेट करती है। कोई भी ट्रॉफी जीतने के बाद उनका जो सेलिब्रेशन रहता है वो यहाँ पे रहता है। नागपुर के फुटाला की याद आ गई, नागपुर में अपने फुटाला में भी ऐसे ही क्राउड रहता है। रात के 9 बजने के लिए 5 मिनट बाकी है और माहौल देख रहे हो अभी भी सनसेट नहीं हुआ है।